हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 का सब्जेक्ट जीके पढ़ेंगे। और आज हम लोग लेसन 11 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रदूषण। प्रदूषण को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पर्यावरण को जानेंगे। जो हमारे आसपास का वातावरण है या परिवेश है, वही हमारा पर्यावरण है। जब हम और पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से जल, वायु, मृदा, पेड़ पौधे, नदियाँ, वनस्पतियाँ, सभी जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं विद्यमान है, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जब इन पर्यावरणीय तत्वों में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, गंदे वेस्ट मटेरियल या इनको हानि पहुंचाने वाले तत्व तो इसमें मिल जाते हैं, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, यानी पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के 4 प्रकार है। पहला है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। दूसरा है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है लैंड पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। और चौथा है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। ये सब पर्यावरणीय तत्व हैं और ये मुख्य रूप से जो प्रदूषण होता है वो रासायनिक पदार्थों के इनमें घुलने से। जैसे अगर कोई फैक्ट्री का गंदा पानी है, उसमें रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, और अगर वो नदियों और पहाड़ों में, नदियों और नहरों में बहकर जाता है, तो पानी दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर फैक्ट्री का धुआं वायु में मिलता है, तो उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं वो पर्यावरण, वो वायु को दूषित करते हैं। और अगर हम किसी रासायनिक पदार्थ को या गंदे या दूषित पदार्थ को मिट्टी में फेंकते हैं या मिट्टी को किसी पेड़ पौधों को काटते हैं, तो मृदा प्रदूषण होता है। अगला हमारा है नॉइज पॉल्यूशन। जब अधिक साउंड होता है, जैसे हवाई जहाज हो या मोटर गाड़ियों के चलने से काफ़ी आवाज़ आता है। कभी कभी लाउड स्पीकर और पटाखों के फूटने से भी इतना तीव्र गति से आवाज़ होता है कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और तेज जो आवाज़ होते हैं या जो तेज साउंड होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। आगे हम लोग बुक की बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 का जीके पढ़ रहे हैं और आज हम लोग लेसन 11 पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन का हिंदी होता है प्रदूषण। एडिशन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इन कॉल्ड पॉल्यूशन। पर्यावरण में जब हानिकारक तत्व तो मिल जाते हैं, तो पर्यावरण दूषित हो जाता है और जिसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। पॉल्यूशन इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, और प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का हिंदी है वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन का हिंदी है जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन का हिंदी है ध्वनि प्रदूषण एंड लैंड पॉल्यूशन का हिंदी है मृदा प्रदूषण। आगे दिया है कि एंडिफिटी एंड राइट एंड दी टाइप ऑफ पॉल्यूशन स्नो इन ईच पिक्चर। यहाँ कुछ चित्र दिखाए हैं और इन पिक्चरों के माध्यम से प्रदूषण के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। पहला चित्र है, ये एक फैक्ट्री का चित्र है और ये एयर पॉल्यूशन का उदाहरण है। आप लोग सभी देख रहे हैं कि फैक्ट्री का धुआं सीधे वायु में मिल रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। दूसरा फिगर है नॉइस पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। ये हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन जा रहा है और आप लोग देखते होंगे, जब हवाई जहाज़ जाता है तो बहुत तेज से आवाज़ करता है, बहुत तेज साउंड होता है, और जो तेज साउंड होता है उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा जो चित्र दिख रहा है, ये जंगल में आग लगी हुई है और आग लगने के कारण जंगल के जब लकड़ियाँ जल रही हैं या जंगल के जो वस्तुएँ जल रही हैं, उससे धुआं उठ रहा है और जिससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। और ये एयर पॉल्यूशन का क्या है, उदाहरण है। ये 3 फिगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहला एयर पॉल्यूशन का उदाहरण है, दूसरा नॉइज पॉल्यूशन का उदाहरण है और तीसरा भी एयर पॉल्यूशन का उदाहरण है। खाली स्थान में सभी बच्चे पहले में एयर पॉल्यूशन भरेंगे, दूसरे में नॉइज पॉल्यूशन भरेंगे और तीसरे में एयर पॉल्यूशन भरेंगे। अगला है चौथा, लैंड पॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीन पे कुछ कचड़े या कुछ वस्तुएं बिखरे हुए हैं और इससे क्या होता है, जब हम लोग कचड़े को या दूषित पदार्थों को ज़मीन पे फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, वह स्थान दूषित हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है और वो स्वच्छ नहीं रहता है। इस
कचरा इधर उधर फेंकने से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो चित्र है वो है वाटर पॉल्यूशन का यानी जल प्रदूषण का। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो नलियों से गंदा पानी नदी या नहर के पानी में मिल रहा है, यानी गंदे पानी जो है वो शुद्ध पानी में मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण के और भी कारण हैं, हम लोग गंदे वस्त्रों को जब खुले स्थान के जल में धुलते हैं, खुले स्थान के जल में जब नहाते हैं और अपने घर के गंदे पानी को नदियों और समुद्रों या नहरों के जल में मिलाते हैं, या कीटनाशक दवाइयों को शुद्ध पानी में फेंकते हैं जैसे नदी और नहरों के पानी में, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। अगला है लैंड पॉल्यूशन। आप लोग यहाँ देख रहे हैं फिगर में, एक किसान है जो खेतों में रसायन यानी कीटनाशकों या रसायन दवाइयों का क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, जिससे क्या है, वो जो रासायनिक दवाइयाँ हैं या जो रासायनिक द्रव है वो केवल फसल पे नहीं जमीन पे भी जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, उस जगह की जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो रही है, और जिससे क्या होगा, उस स्थान पर अगर लाभदायक वायरस या कीटाणु होंगे तो भी क्या करेंगे, वो भी मर जाएंगे, और इसके कारण हम लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर उस ज़मीन पे हम लोग अपना पैर रखते हैं तो हमें कोई रोग हो सकता है उस दवाई के कारण। खाली स्थान में सभी बच्चे चौथे में लैंड पॉल्यूशन भरेंगे, पांचवे में वाटर पॉल्यूशन, छठे में लैंड पॉल्यूशन, यानी पहले जो चौथा है इसमें ये मृदा प्रदूषण का उदाहरण है, पांचवा जल प्रदूषण का उदाहरण है, और छठा ये भी मृदा प्रदूषण का उदाहरण है। सातवां चित्र हम लोग को जो दिखाया गया है, यहाँ पे खुले जल में एक बॉटल दिख रहा है और कुछ व्यर्थ के और गंदे सामान दिख रहे हैं, जिसको से क्या हुआ है, जल प्रदूषण प्रदूषित हुआ है। यहाँ पे हम लोग खाली स्थान में वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण भरेंगे। दूसरा है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक बच्चा कान में उंगली डाल के खड़ा है, यानी ये कान अपना बंद करना चाहता है, क्योंकि इसके बगल में यहाँ क्या है, पटाखे फूट रहे हैं, और पटाखे फूटने से क्या होता है, बहुत तेज से आवाज़ होता है, और इस आवाज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग खाली स्थान में यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण भरेंगे। अगला है, अगला जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, गाड़ियाँ चल रही हैं सड़कों पे। आप लोग देखेंगे कि गाड़ियाँ इतनी लंबी कतारों में है कि ये बहुत दूर तक गया, और संख्या भी इनकी अधिक है, और इससे क्या हो रहा है, गाड़ियों से क्या होता है, धुआं निकलता है, और वो धुआं कहाँ जाकर मिलता है, वायु में, और वायु प्रदूषण गाड़ियों के धुओं से वायु प्रदूषण होता है। ऐसी समस्या 2 महीने लॉकडाउन से पहले दिल्ली में हुई थी, अधिक गाड़ियों के चलने और कारखानों के चलने के कारण वहाँ का वायु प्रदूषित हो गया था। इस तरह से आप लोग खाली स्थान में यहाँ पे एयर और लैंड पॉल्यूशन भरेंगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ भूमि पे चल रही है, जिससे भूमि का भी क्षरण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे खाली स्थान में एयर और लैंड पॉल्यूशन भरेंगे, यानी गाड़ियों के चलने से एयर यानी वायु और मृदा प्रदूषण होता है। इस तरह से इस पाठ को सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।